हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते सभी को। मेरा पिछला वाला वीडियो जो था उसमें हमने राजस्थान पुलिस के अंदर जो जनरल साइंस पूछी जाती है उनके टॉपिक्स को लेकर हमने बात की थी, जिसमें हमने देखा था कि जीव विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसके अंदर पूछे जाएंगे। फिर हमने देखा था कि रसायन विज्ञान के अंदर कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। फिर हमने देखा कि फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक उसमें पूछे जाते हैं। तो आई होप एक पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी कि टॉपिक कौन कौन से हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम सबसे पहले जीव विज्ञान से शुरुआत करेंगे, और उसमें भी जो सबसे बेसिक हम टॉपिक कह सकते हैं वो है सेल या कोशिका। क्योंकि हम आगे पढ़ने से पहले या हमें डिटेल में पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सके उसके लिए हमारे जनरल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो आई होप जो बच्चे राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे और जिनको साइंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है या जो साइंस में थोड़े कमजोर हैं वो मेरे वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि ये वीडियो कब आएगा नेक्स्ट, जो भी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है सेल से। तो हमने जिस उद्देश्य से लेकर वापस से इस चैनल पर वीडियो बनाना शुरू किया है उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम लोग हमारे कदम बढ़ाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कोशिका सेल। फ्रेंड्स, हम बात करें किसी भी जीव की, ऑर्गेनिज्म की, तो प्रत्येक जीव जो है वो चाहे एनिमल हो सकता है, कोई जंतु हो सकता है, या फिर वो कोई सेल हो सकती है, सॉरी वो कोई प्लांट हो सकता है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। मतलब किसी भी प्रकार का जीव, जंतु हो, पादप हो या सूक्ष्म जीव हो, इन सबकी क्या होती है, एक फिक्स संरचना होती है। इनका क्या होता है, एक निश्चित बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये जो ढांचा होता है, ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम बोलते हैं कि कोशिका जो है ये क्या होती है, जीव की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। हम यहाँ पर वही चीजें लिखेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बाकी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि कोशिका जो है ये किसी भी जीव की क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कोशिका सेल जीव की संरचनात्मक इकाई, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक इकाई। अब यहाँ पर जैसे कि रीट जैसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा बायोटिक फैक्टर है। बायोटिक फैक्टर का मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि कौन सा लिविंग है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। तो जीव में हम लोग शामिल करते हैं सभी पादप, सभी जंतु, एवं सूक्ष्म जीव। तो ये सारे के सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये जीव के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, पूरी की पूरी बॉडी बनी हुई है, तो ये कोशिका ही आगे से क्या होती हैं, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, और अंग तंत्र मिलकर किसी जीव के पूरे शरीर का निर्माण करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का स्तर। एक जीव के शरीर का निर्माण कैसे होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसी को, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि समान कोशिकाओं का समूह मिलकर किसका निर्माण करता है। तो आंसर हो जाएगा ऊतक या टिश्यू। तो यहां पर हम लिख देते हैं इसको संगठन के स्तर,
संगठन के स्तर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यदि सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट, बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, वो क्या होती है? सेल होती है, कोशिका होती है। तो सबसे पहली हो जाएगी कोशिका। सेल, फिर हम बात करते हैं कि कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या बनाता है, तो टिश्यू बनाता है, ऊतक बनाता है, टिश्यू। समान कोशिकाओं का समूह मिलकर या समान कोशिकाओं का समूह, अब आगे यदि हम बात करें तो कोशिकाएं मिलकर क्या बना रही है? ऊतक बना रही है। अब ऊतकों का जो समूह होगा, ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होगा, उसको हम बोलते हैं अंग, ऑर्गन बोलते हैं। तो यहाँ पर ऊतक के आगे का जो संगठन का स्तर होगा उसको हम बोलेंगे अंग, ऑर्गन। ऊतकों का समूह अंग में, जैसे उदाहरण की यदि हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के जो पार्ट है, जैसे हमारा यकृत है, जैसे हमारी किडनीज है, जैसे हमारे लंग्स हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ऑर्गन में आते हैं, अंग में आते हैं। तो जैसे यकृत है, आमाशय है, स्टमक बोलते हैं। और यदि आगे हम बात करें तो बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या करते हैं? ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे हम बात करते हैं पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इस प्रकार से। तो अंगों का समूह मिलकर बनाता है अंग तंत्र। ऑर्गन सिस्टम तो यहां पर हम लिख सकते हैं अंगों का समूह, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स हो जाएगा। अब यदि हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जितने भी सारे के सारे सिस्टम है वो किस में आ जाएंगे? ऑर्गन सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। फिर अंग तंत्र, जैसे हम हमारी बात करें तो हमारा शरीर में क्या है? बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है। तो हमारे सारे सिस्टम्स मिलकर हमारे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो अंग तंत्र जो है वो किसका निर्माण करते हैं? एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो अंग तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। ना जैसे कोई भी जंतु है तो उसका शरीर भी विभिन्न तरह के सिस्टम से बना हुआ होगा, कोई प्लांट है तो उसका शरीर भी विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर बना हुआ होगा। तो इसको हम बोलते हैं संगठन के स्तर। तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है सेल, कोशिका है। फिर आपसे पूछा जाए कि समान कोशिकाओं का समूह मिलकर जो एक कार्य करता है या फिर एक जैसा कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम टिश्यू। तो इस तरीके से संगठन के स्तर है, कोशिकाओं का समूह ऊतक, ऊतक का समूह अंग, अंग का समूह अंग तंत्र, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो आई होप आपको संगठन के स्तर समझ में आ गए होंगे। अब हम कोशिका को लेकर उनके फैक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे डिस्कवरी पूछ ली जाती है कभी कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, या फिर सेल डिवीजन के बारे में पूछ लेते हैं,
या सेल थ्योरी के बारे में पूछ लेते हैं, तो आगे हम इन्हीं पॉइंट को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कोशिका की खोज आप सबको पता होगा क्योंकि सब पढ़ते हैं कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी। और वो कौन सी कोशिका थी? एक निर्जीव कोशिका थी, एक कोर कोशिका थी। तो हम ये कहते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन वो क्या थी? मृत कोशिका थी। फिर हम बात करें तो जब मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी तो इसका मतलब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो आपको नाम ध्यान में रखना है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले या सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और उन्होंने ये खोज की थी आरबीसी जीवाणु और शुक्राणु आदि के अंदर। फिर एक जो कोशिका होती है, जनरली हम डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें कोशिका के अंदर एक केंद्रक भी होता है, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? रॉबर्ट ब्राउन। 1831 के अंदर उन्होंने केंद्र की खोज की थी आर्किड नामक पौधे की जड़ों के अंदर। और फिर हम बात करते हैं सेल थ्योरी, जो हम बोल रहे थे ना बार बार कि कोशिका की सॉरी जो कोई भी जीव होता है उसका शरीर किससे मिलकर बना हुआ होता है? सेल से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये थ्योरी प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और स्वान। तो हम ये बोलते हैं कि सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्लाइडेन तथा स्वान थे। लेकिन आप लोग जानते हो कि समय के साथ कोई भी जीव जो होता है वो क्या करता है? वृद्धि करता है। उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो ग्रोथ होने का कोई ना कोई रीजन होगा, मतलब उसकी बॉडी में किसी न किसी की संख्या बढ़ रही है, तभी वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। तो स्लाइडेन और स्वान ने ये तो बता दिया कि कोई भी जीव जो होता है वो सेल से मिलकर बना हुआ होता है और सेल ही क्या होती है? उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण कैसे हो रहा है, क्योंकि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, तभी तो ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यू बोल रहे हैं। इसका मतलब सेल की संख्या में निरंतर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो वो ये बताने में असफल रहे। तो उसके बाद एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चोव। 1855 में रुडोल्फ विर्चोव ने यह बताया कि जो नई कोशिका है उसका निर्माण पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होता है। तो ये हमारे सेल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जिनको हम नोट करेंगे और फिर हम आगे कोशिका की संरचना का डायग्राम बनाएंगे और उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं सेल के और पादप जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कोशिका की खोज। कोशिका की खोज तो कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। आपको यदि कुछ भी नहीं दिया जाए कि भाई मृत कोशिका है या जीवित कोशिका है तो हम क्या मानेंगे कि वो सेल कौन सी है? नॉन लिविंग है, निर्जीव कोशिका है। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुक उसका आंसर हो जाएगा। फिर हम यदि बात करते हैं सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज और उन वैज्ञानिक का नाम है ल्यूवेनहॉक। उसका नाम हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। और ये किया था उन्होंने 1674 के अंदर। और मैंने बताया था कि किस किस में की थी इन्होंने, तो उदाहरण हो जाएंगे आरबीसी जीवाणु बैक्टीरिया और शुक्राणु स्पर्म।
यानी कि इनकी खोज भी तभी हुई थी और ये सारी की सारी क्या थी, जीवित कोशिकाएं थी। तो ल्यूवेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर हम बात करते हैं एक केंद्र की। तो मैंने आपको बताया कि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक सुविकसित केंद्रक होता है, अच्छे से डेवलपमेंट हो रखा होता है, उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक द्रव्य होता है। तो उसमें जो है वो केंद्रक बहुत अच्छे से विकसित रूप में पाया जाता है, इसीलिए हम बोलते हैं केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज और केंद्रक की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने ये खोज कब की थी, 1831 के अंदर। किसमें की थी, तो आपको ध्यान में रखना है आर्किड नामक पौधे की जड़ों में की थी। तो यहां पर हमारा हो जाएगा आर्किड, पौधे की जड़ में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो मैंने आपको बताया है कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा कोशिका सिद्धांत। सेल थ्योरी, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था स्वान। और ये सिद्धांत उन्होंने दिया था 1838-39 के अंदर। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है और प्रत्येक जीव का शरीर जो है वो कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। ये सारी चीजें मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं। सीधे ये पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया था, तो आपको ध्यान में रखना है स्लाइडेन तथा स्वान। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि एक वैज्ञानिक था जिनका नाम था रडोल्फ विर्चो। रडोल्फ विर्चो, और 1855 में इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो यही है कि नई कोशिका का निर्माण जो है वो पुरानी कोशिकाओं में विभाजन से होता है, और इसके सिद्धांत को एक नाम दिया था जिसको बोलते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा कि ओमनी सेलुला ई सेलुला किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो वो किया था रेडोल्फ विर्चोव ने। तो इसको हम लिख लेते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है नई कोशिका का निर्माण पुरानी कोशिका में विभाजन से होता है, यानी कि पुरानी सेल जो है वो डिवाइड होगी और नई कोशिका का निर्माण करेगी, तो नई कोशिका में विभाजन से होता है। तो फ्रेंड्स,
ये हमने एक सेल से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको लेकर हमने बात की। अब हम आगे बात करेंगे सेल की संरचना, जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार। हम सेल को बार बार बोल रहे हैं कि जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल हैं। जीव का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब जितने भी अपने स्ट्रक्चर हैं, जितने भी संरचना है, जितने भी अपने बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या करती हैं, एक कोशिका उसको संपन्न करती है। तो हमें उसकी संरचना के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कोशिका की संरचना को लेकर। हमारा टॉपिक हो जाएगा कोशिका की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो दोस्तों सेल भी है ना, अलग अलग मतलब विकास के आधार पर, संरचना के आधार पर अलग अलग भागों में उसको हम डिवाइड करते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। फिर यूकैरियोटिक सेल जो है उसको भी हम फर्दर आगे दो भागों में डिवाइड करते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। तो एक बार मैं आपको उन कोशिकाओं के टाइप्स के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं विकास एवं संरचना के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार अब विकास एवं संरचना के आधार पर हम कोशिकाओं को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक हो जाएगी प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। तो मैं इसी तरीके से लिख देती हूँ, एक साइड प्रोकैरियोटिक कोशिका, हिंदी में इसको असीम केंद्री भी बोलते हैं, और दूसरी हो जाएगी यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका या इसको बोलते हैं ससीम केंद्री कोशिका, हिंदी में इसको बोलते हैं ससीम केंद्री और इसको बोलते हैं असीम केंद्री। तो अब फ्रेंड्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है, प्रो प्रो से मतलब होता है पुराना या फिर आदिम, और कैरियन का मतलब होता है, यहाँ पर कैरियोट का मतलब होता है केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसमें क्या होता है, आदिम केंद्रक पाया जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य जो होते हैं वो साथ में मिले हुए होते हैं, आपको पता चल जाएगा, मैं आगे डायग्राम बनाऊंगी उसमें। तो ऐसी कोशिका जिसमें, या मैं डायरेक्ट ले देती हूं, जिसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसमें केंद्रक या तो अल्पविकसित होगा या अनुपस्थित होगा। और फिर हम यदि बात करते हैं इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर एक आवरण बनाऊं प्रोकैरियोटिक कोशिका का, तो ये एक आवरण है बाहर की तरफ। ये आवरण भी जंतु में अलग होते हैं और प्लांट में किस तरीके से होते हैं वो हम आगे बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर ये जो केंद्रक झिल्ली होती है इस तरीके से, तो ये प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें क्या होती है, ये अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो द्रव्य भरा होता है केंद्रक द्रव्य, और कोशिका के बाहर, इस केंद्र के बाहर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। तो जब ये होगी नहीं झिल्ली, तो ये दोनों द्रव्य जो होंगे ये आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं केंद्रक द्रव्य तथा
कोशिका द्रव्य पृथक नहीं होते हैं, फिर हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें क्या पाया जाता है, एक नग्न डीएनए पाया जाता है, यानी कि उसके चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है, तो एक नग्न डीएनए होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसमें एक डीएनए पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए, और वृत्ताकार डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल होता है। तो वो जो वृत्ताकार डीएनए होता है उसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, और वेक्टर के रूप में, वाहक के रूप में उसका यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो इसमें एक वृत्ताकार डीएनए होता है। और उसका नाम ध्यान में रखना है आप, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। वो हो जाएगा प्लाज्मिड। अब हम यदि बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन कौन से जीव आते हैं, तो सबसे पहले आता है जीवाणु। बैक्टीरिया जो है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक उदाहरण है। इसके अलावा आपने सुना होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल नाम से तो आपको पता चल रहा है कि ये शैवाल होगी, लेकिन आपके साथ धोखा हो सकता है, ये शैवाल नहीं है। इसको हम बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव जो है वो क्या है, साइनोबैक्टीरिया है, जिनको हम बोलते हैं नील हरित शैवाल। तो ये क्या है, नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है, ये क्या है, बैक्टीरिया है। इसके अलावा जैसे हो गया माइकोप्लाज्मा, ये सारे के सारे क्या है, इसके उदाहरण है। तो इसके उदाहरण लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, जीवाणु, बैक्टीरिया और इसके अलावा नील हरित शैवाल है उसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। यह इसको बोल सकते हैं नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस करने वाले जीव हैं वो भी कौन है, साइनोबैक्टीरिया है, नील हरित शैवाल है। और फिर हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, तो आई होप आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका समझ में आ गई होगी। अब हम तुलना करते हुए यूकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, सबसे पहले हमने बोला कि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लेकिन जो यहाँ पर नाम से पता चला है यू, यू से मतलब होता है सुविकसित, अच्छे से विकसित, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होगी। तो यहाँ पर केंद्रक झिल्ली क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और जो केंद्रक होता है ये भी क्या होता है, सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। यहाँ पर इस तरीके सुविकसित का मतलब यह है कि इसमें क्या पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य इसमें क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, ये क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, केंद्रक झिल्ली, दोहरी केंद्रक झिल्ली जो है वो उपस्थित होती है। फिर बात करते हैं डीएनए की, तो एक यूकैरियोटिक जीव के अंदर क्या पाया जाता है, जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, जो क्या करता है, वंशागति का कार्य करता है। तो इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए प्रेजेंट
और इसमें थोड़ा सा मतलब डीएनए को लेकर थोड़ा सा अलग अलग इसमें होता है। जैसे हम बात करेंगे नग्न डीएनए होता है, लेकिन वहां पर नग्न डीएनए नहीं होता है, यहाँ पर वृत्ताकार डीएनए होता है। सुविकसित या फिर यूकेरियोटिक कोशिका में इस प्रकार का कोई वृत्ताकार डीएनए नहीं पाया जाता है। वहां पर डीएनए पाए जाते हैं, एक तो हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। एक यदि हम प्लांट में बात करते हैं हरित लवक की, तो उसमें भी अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। और डीएनए में क्या पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं, जीन होते हैं। और जीन क्या करते हैं, वंशागति का कार्य करते हैं, यानी कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर करने का काम जो है वो डीएनए करते हैं। और डीएनए जो है वो किस में पाए जाते हैं, जीव एक यूकेरियोटिक कोशिका में भी गुणसूत्रों में पाए जाते हैं। गुणसूत्रों के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका में थोड़ा सा इनका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा, विकास एवं संरचना के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका को हमने तुलना करते हुए देखा। अब ये जो यूकेरियोटिक कोशिका है, इसी के अंदर हम पढ़ते हैं पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे पादप एवं जंतु कोशिका। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु में जो वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और दूसरा हम देखेंगे पादप और जंतु कोशिका में कौन कौन से कंपोनेंट पादप में होते हैं, कौन कौन से जंतु में होते हैं, उनमें क्या अंतर होता है, क्योंकि वहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पादप और जंतु कोशिका की संरचना और उनके अंदर जो विभेदन या अंतर है उसको हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।